किशनगढ़ में सोमराज उर्फ धामी पहलवान की फॉर्चुनर कार पर गोलीबारी करने के मामले में स्पेशल सेल ने गैंगस्टर मंजीत महाल गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने मंजीत महाल के नजदीकी अशोक मान की हत्या का बदला लेने के लिए गोलीबारी की थी। हमले के दौरान अशोक मान का भतीजा भी मौजूद था। हमले में धामी का चालक शफीक घायल हो गया था, उसे 2 गोलियां लगी थी। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 पिस्टल और 75 कारतूस बरामद किए हैं। दिनांक 18 अक्टूबर को किशनगढ़ निवासी सोमराज उर्फ धामी पहलवान पटियाला कोर्ट से अशोक मान की हत्या के मामले की तारीख भुगतकर अपने घर वापस जा रहा था। बता दें, सोमराज उर्फ धामी पहलवान साल 2020 में हुए अशोक मान हत्या के मामले में आरोपित है। कार में उसका चालक शफीक उर्फ लकी और निजी अंगरक्षक किशन भी था। धामी पहलवान की कार किशनगढ़ गांव के फिरनी रोड पर पहुंची तो पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उसकी कार पर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में घायल हो जाने से ड्राइवर कार का नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क पर लगी दुकानों में जा घुसी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल ने मामले की जांच शुरू की। जांच में स्पेशल सेल को मुखबिरों के माध्यम पता चला कि वारदात को गैंगस्टर मंजीत महल गैंग के शूटरों ने किशनगढ़ निवासी हरेंद्र मान के कहने पर अंजाम दिया था। सेल को यह भी पता चला कि मकान नंबर 700 रामनगर बहादुरगढ़ हरियाणा निवासी वांटेड अभिषेक उर्फ मोटा पुत्र धर्मपाल सिंह अपने साथियों के साथ फायरिंग की वारदात में शामिल था। पुलिस ने उन बदमाशों पर निगरानी बढ़ाई। पुलिस को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि गैंगस्टर मंजीत महाल के आदेश पर वारदात में शामिल बदमाश 19 अक्टूबर को द्वारका सेक्टर 1 में अन्य किसी दूसरी वारदात को अंजाम देने आ रहे हैं। क्रिमिनलों को दबोचने के लिए स्पेशल सेल ACP संजय दत्त की सुपरविजन व इंस्पेक्टर संदीप यादव के नेतृत्व में SI मनेंद्र, SI सोमिल शर्मा, SI सवीन खरब, SI सुरेश, SI वीरेंद्र, SI सतीश पाटिल, हेड कांस्टेबल संदीप यादव, संदीप शौकीन, अतुल, मनोज, मुकेश कुमार, दिनेश कुमार, पवन, जितेंद्र और कांस्टेबल रविंदर, सागर, मनीष, रवि, प्रमोद, विजय की एक टीम बनाई गई। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलते ही टीम ने द्वारका सेक्टर 1 में छापेमारी कर बदमाशों को दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान 26 वर्षीय बहादुरगढ़ हरियाणा निवासी वांटेड क्रिमिनल अभिषेक मलिक उर्फ मोटा पुत्र धर्मपाल, 21 वर्षीय झज्जर हरियाणा निवासी वजीर उर्फ झोटा पुत्र बलवान सिंह, 22 वर्षीय झज्जर हरियाणा निवासी अन्नू गिलदिया पुत्र ओम नारायण और 24 वर्षीय निवासी कपिल कुमार पुत्र सुनील कुमार के रूप में हुई। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, 75 जिंदा कारतूस, 3 खाली कारतूस के साथ हरेंद्र मान के पास एक प्रेस कार्ड बरामद हुआ है। इंटेरोगेशन के दौरान आरोपी अभिषेक मलिक उर्फ ने बताया कि वो अपने एक साथी दीपक के जरिए गैंगस्टर मंजीत महल के संपर्क में आया था और उसके बाद उसने गैंगस्टर मंजीत महल को क्राइम की दुनिया में अपना गुरु बना लिया और वो अपने गैंग के इशारे पर वारदातों को अंजाम देने लगा। गैंगस्टर मंजीत महल फिलहाल हरियाणा के यमुनानगर जेल में बंद है। साथ ही वजीर उर्फ गैंगस्टर मंजीत महल को अपना भगवान मानता था और क्राइम की दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था। गैंगस्टर मंजीत महल और किशनगढ़ निवासी अशोक मान बहुत करीबी मित्र थे। वर्ष 2020 में सोमराज उर्फ धामी पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर अशोक मान की हत्या कर दी थी। तब से मृतक अशोक मान का भतीजा हरेंद्र मान धामी पहलवान से बदला लेने का मौका खोज रहा था, इसलिए गैंगस्टर मंजीत महल ने अपनी गैंग के सदस्यों को हरेंद्र मान के साथ मिलकर धामी पहलवान को मारने की योजना बनाई। इन्होंने धामी पहलवान पर नजर रखनी शुरू कर दी और 18 अक्टूबर को धामी पहलवान को कोर्ट जाना था। कोर्ट से वापस आते समय इन्होंने धामी पहलवान की कार पर गोलीबारी कर दी, लेकिन निशाना सही न लगने की वजह से धामी पहलवान बच गया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।